मध्य प्रदेश बोर्ड आज शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर देगा। ऐसे में कई बार ज्यादा लोड की वजह से वेबसाइट क्रैश होने का खतरा भी होता है। अगर रिजल्ट आने के बाद बोर्ड की आधिकारिक साइट क्रैश हो जाती है तब भी आप रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इस साल एमपी बोर्ड की परीक्षा में लाखों छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। बोर्ड एग्जाम में करीब 17 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिन्हें परीक्षा खत्म होने के बाद से ही परीक्षा के परिणामों का बेसब्री से इंतजार है, जो आज खत्म हो जाएगा। छात्रों का रिजल्ट मध्य प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mprizults.nic.in, mpbse.mpinline.gov.in और mpbse.nic.in पर आएगा। यदि वेबसाइट क्रैश होती है तो आप अपने फोन पर भी रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट अपने फोन पर SMS की मदद से देखने के लिए छात्र मैसेज ऐप में जाएं। स्टेप 2, इसके बाद छात्र MPBSE 10-12 रोल नंबर टाइप करें। स्टेप 3, फिर छात्र इस मैसेज को 56263 पर भेज दें। स्टेप 4, अब MP बोर्ड 10वीं या 12वीं रिजल्ट का रिजल्ट मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। स्टेप 5, अंत में छात्र उस मैसेज को अपने पास सेव कर लें। आपको बता दें कि आप डिजिलॉकर पर देख पाएंगे नतीजे कैसे। स्टेप 1, छात्र सबसे पहले डिजिलॉकर वेबसाइट digilocker.gov.in या डिजिलॉकर ऐप पर जाएं। स्टेप 2, इसके बाद छात्र लिंक पर जाएं, जहां रजिस्टर लिखा हो। स्टेप 3, फिर छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। स्टेप 4, इसके बाद छात्र अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दे। स्टेप 5, इसके बाद छात्र वेरीफाई करें और मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें। स्टेप 6, अब छात्र एमपी बोर्ड रिजल्ट के पेज पर जाएं। स्टेप 7, फिर छात्र जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज कर लॉगिन करें। स्टेप 8, अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा।